हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको बताने जा रहे हैं स्क्वायर वाला आर्ट मॉडलर का बोर्ड है। इसको आपको लगा के और वायरिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहें। ये हमारा बोर्ड खोल दिए हैं और आपको लगा के दिखाएंगे। ये देखिए, इसका पूरा स्टोक है, सॉकेट स्विच सब है। तो चलिए लगा के दिखाएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आप भी इसी तरह लगाकर सीख सकें और अपने घर का वायरिंग कर सकें। तो चलिए ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। हाँ दोस्तों, और वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके रखा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला था, इसलिए देखते रहिए वीडियो में। एक रेगुलेटर है पंखा वाला, उसको हम लगा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा इस बोर्ड का कंप्लीट तरीके से वायरिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा तो नहीं समझ आएगा। वीडियो छोटा हो इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है। तो देखिए, अब चलिए हम वायरिंग करते हैं इसका। तो पहले हम 1 mm का तार लेंगे और स्विच पहले सॉकेट का करेंगे। तो सॉकेट में हम लोग ये वाला फेस है, इसमें फेस सप्लाई होता है, तो इसको हम देंगे स्विच में। तो चलिए, ये देखिए स्विच में हम इसको लगा दिए हैं और हम अभी काम साइड में हैं, इसलिए वहीं वीडियो बना के डाल के आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो में देखते रहिए और वीडियो को समझ कर अपने घर का वायरिंग करते रहिए। आपको इलेक्ट्रिशियन का बुलाने का ज़रूरत नहीं, अगर ये वाला वीडियो देख लेंगे तो घर में खुद का कर लेंगे। ये देखिए, अब हम सेकेंड जो बल्ब रहेगा वो वाला स्विच में फेस दे रहे हैं। ये हो गया, और हम लोग पंखा का है और एक और लाइट का है, छोटा सा रूम है। तो 8 मॉडलर का स्क्वायर वाला बोर्ड लगा दिए हैं। तो देखिए, अभी पहले फेस का पूरा सप्लाई वाला काम कर लेते हैं, फिर आके आपको दिखाएंगे कि कैसे करना है और आगे। ये देखिए, चलिए हम लोग इसमें पूरा फेस का काम हो गया है और इसको आपको लगा के दिखाएंगे पूरा। तो अभी तो वायरिंग कर लेते हैं पहले फटाफट। चलिए देखिए, तो और हम लोग का ये वाला रेगुलेटर में तार नहीं दिया है, तो पहले दूसरा रेगुलेटर में तार दिया रहता है, तो इसका भी कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, इधर तार को चाहिए। मैं इस बोर्ड को मैं थोड़ा जो वीडियो लंबा ना हो करके जल्दी में बना रहा हूँ, इसलिए तो आप लोग थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, आराम से कीजिएगा आप लोग। मैं तो वीडियो बनाने के लिए जल्दी कर दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जो हम लोग तार डाले हैं उसमें बोर्ड को कनेक्शन करेंगे। तो देखिए, हम लोग का तार लंबा था तो हम लोग काट लेंगे, और ये जो फर्स्ट में किया वो वाला पंखा का था, तो उसमें अपन लोग दागी वगी मार लेंगे ताकि पता चले। और जो काला में भी काटा हुआ देख रहे हैं वो वाला न्यूट्रल का, हाफ न्यूट्रल। और पहले हम लोग सबको अच्छे प्रॉपर तरीके से छील लेंगे, उसके बाद कनेक्शन करेंगे बोर्ड में। चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अपने तीनों वाइट वाला जो तार है वो अपन का पंखा का, 2 लाइट का है और 1 हाफ न्यूट्रल का है। और जो ये मैं जो लाल तार है, एक फेस एक न्यूट्रल के लिए किया हूँ और एक काला वाला उसमें भी किया हूँ, वो इन्वर्टर के लिए है। और एक जो वाइट वाला दिया हूँ वो है रनिंग अर्थिंग। ये देखिए, पहले सॉकेट में वो रहता है, फर्स्ट में जो 3 पिन दिया रहता है ना,
बड़ा वाला उसमें लगेगा फर्स्ट और रनिंग का है, तो उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। ये हो गया, और सेकंड में लगाने जा रहा हूँ ये है हम लोग का लाइट का, इसको भी कर लिया ये देखिए, और फिर सेकंड में किया ये वाला भी लाइट का है, इसको भी मैं कर लेता हूँ। आप वीडियो में बने रहे, देखते रहिए, इसके मत कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अभी ये पंखा वाला मैं कर रहा हूँ, देखिए हम लोग दाग किए थे वाला, तो मैं पंखा वाला में डाल दिया हूँ। अब देखिए टाइट भी कर दे रहा हूँ, और हम लोग का ये बच गया। देखिए मैं, मेरे पास तार नहीं था, छोटा रूम था इसलिए ज़्यादा तार नहीं मंगाया था, तो इसलिए मैं बस 2.5 का एक बंडल में तार मंगाया था, उसी में बना दिया हूँ, एक दागी मार दिया हूँ। तो देखिए ये वाला अपन का फेस है, तो मैं डाल दूँगा फेस में, जो नीचे में रहता है ना स्विच का, उसी में डालूँगा। और ये हम लोग का बोलते हैं हाफ न्यूट्रल वाला है, तो न्यूट्रल वाला में कनेक्ट करके टेपिंग कर देंगे अच्छे से, देखते रहिए। तो इसको पहले टेपिंग करके हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बताता हूँ। ये टेपिंग हो गया, और ये जो अभी टेप कर रहा हूँ वो वाला है हम लोग का इन्वर्टर का, तो अभी इन्वर्टर का नहीं लगने वाला है, तो मैं टेपिंग करके अंदर में डाल देता हूँ, बाद में जब होगा तब करूँगा। और ये वाला अभी जो डाल रहा हूँ ये वाला है आपका न्यूट्रल, और सॉकेट में न्यूट्रल रहता है वहीं डाल दीजिए। उसके बाद ये देखिए मैं पूरा बंद कर देता हूँ, बाकी वायरिंग हो गया आप समझ चुके होंगे, समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कैसे करना है क्या करना है करके। चलिए दोस्तों हम फटाफट टाइट करते हैं, अब ये हम लोग का पूरा ओके हो गया है। ये देखिए इस प्रकार का लगाते हैं बोर्ड, और इसका जो कैप रहता है वो भी आप लगा के अच्छे से। तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो को देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।